अच्छा देखो, ये हमारे पास इस तरह के रिडॉक्स में क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या होता है, इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो एक तरह की बैलेंसिंग तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर इन केस मुझे कोई इक्वेशन बैलेंस करनी है तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं ट्रायल एंड एरर करूंगा, जैसे हम हमेशा से करते आए, कि देखेंगे कि भाई क्या चीज़ लगाएं और बैलेंस हो जाए। लेकिन इस इक्वेशन को अगर आप ट्रायल एंड एरर से बैलेंस करने जाओगे तो इसमें देखो सिर्फ एन और पी की वैल्यूज आपसे मांगी हुई हैं, जो कि कोफिशिएंट मोल्स आयोडीन के हैं और HIO3 के हैं। सही है। इसके अलावा तो आपको फिर एम क्या लगाओगे, क्यू क्या लगाओगे, तो अगर ये ट्रायल एंड एरर करने पे जाओ तो ये बड़ा क्या कहते हैं ना, मुश्किल हो जाएगा, और वो आपके पास एक से ज्यादा आंसर्स भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में वो खुद नीचे बोल भी देता है कि दिस इक्वेशन कैन बी बैलेंस यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर यूज करते हुए आप कैसे इक्वेशन बैलेंस करोगे, बेसिकली इसका एक मेथड है जिसको हम लोग तो पता नहीं, मैं इसको फ्लिप फ्लॉप मेथड कहता हूँ। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आपने इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है और एक राइट साइड पे ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही हो। अब वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एसिड दिया हुआ है HIO। अब मुझे पता है कि किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 रहती है और हाइड्रोजन की +1 रहती है, अंटिल और अनलेस हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ बॉन्डेड ना हो। तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो इट मीन्स कि हमारे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव ही होगा। अब रह सिर्फ आयोडीन जाता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होनी है, क्योंकि राइट साइड पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही रहेगी जो लेफ्ट साइड पर है, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी हुई है, हमारा रूल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है। हाइड्रोजन के लिए एक्सेप्शन ये है कि वो अगर मेटल के साथ बॉन्डेड है तो फिर चेंज हो सकती है। सिमिलरली अगर आयोडीन को मैं देखूं लेफ्ट साइड पे, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा बल्कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज HIO मेकिंग आयोडीन एंड HIO3 एंड वाटर। थोड़ा ध्यान से सुनना इसको, ये एक भी क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो फिर ये आसान हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर मैं आयोडाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ तो हाइड्रोजन अगर +1 और आयोडीन मैंने एक्स ले लिया, ऑक्सीजन मुझे पता है कि -2 होता है, ओवरऑल ये होनी चाहिए 0 क्योंकि कोई चार्ज नहीं है उस पर, तो X1 -2 वुड बी -1 = 0। तो यहाँ पे आयोडीन की बनी +1, दिस इज +1। अब राइट साइड पे आयोडीन दो जगह पे, एक जगह पे तो I2 है, सिंपल मॉलिक्यूल है, और सिंपल मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने डिसाइड किया था वो 0 होती है ओवरऑल। और HIO3 में आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालूं तो हाइड्रोजन +1, आयोडीन यहाँ पे एक्स, इसलिए क्योंकि निकालनी है, और ऑक्सीजन इज 3 × -2, ओवरऑल इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 + x - 6 = 0, x - 5 = 0 एंड एक्स वुड बी +5। तो यहाँ पे आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। अब हमें दो ऐसे एलिमेंट उठाने होते हैं जो एक एटलीस्ट ऑक्सीडाइज हो रहा हो, एक रिड्यूस हो रहा हो। अब यहाँ पे है ही एक ही तरह के एलिमेंट जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, और वही एक बार उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब है, जब आयोडीन +1 से 0 जा रहा है तो वो रिड्यूस्ड हो रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, और जब वो +1 से +5 जा रहा है तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वो ऑक्सीडाइज भी वही हो रहा है। तो मुझे कोई ऐसे एलिमेंट उठाने हैं जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड हो रहे हो। अब कोइंसिडेंटली यहाँ पे इस इक्वेशन में है ही सिर्फ आयोडीन जो कि ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस्ड भी हो रहा है। तो मैंने करना क्या है, इनकी इक्वेशन जो है वो इस तरह से लिख दो अलग से, I+1 है और ये I2 में जब कन्वर्ट हो रहा है तो ये रिड्यूस्ड हो रहा है, इट मीन्स इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो +1 से क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रही है, तो इसमें मैं पहले 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, +1 से 0 हो रही है ना। अब आप जैसे इलेक्ट्रोलिसिस में ओ लेवल में करते थे कि आप बोलोगे मैं 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूँ, तो वो भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो और इक्वेशन को बैलेंस कर लो। अब इस तरह भी कर सकते हो, मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, फिर मैं बैलेंसिंग करने के लिए क्या करूंगा, जो आयोडीन है उसके साथ मैंने हाफ लगा दिया, तो
सही है, तो वो इस तरह से भी बैलेंस हो गया, आयोडीन आयोडीन लेफ्ट और राइट पे वन वन हो गया और वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर मैं इसको दूसरी वाली इक्वेशन को देखूं तो उसमें आयोडीन प्लस वन से कहाँ जा रहा है, प्लस फाइव। तो दिस इज बेसिकली इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, देखो प्लस वन से प्लस फाइव जाने का मतलब क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे इसने, प्लस फोर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब तो वन से फाइव चला गया ना, ये बात समझ आती है? जी सर। ठीक है, प्लस वन से प्लस फाइव गया है तो ये फाइव मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुए, अगर वो जीरो से प्लस फाइव जाता तो फिर हम फाइव लिखते हैं, वो प्लस वन से प्लस फाइव गया, तो वन से फाइव जाने में कितने नंबर आ जाते हैं, अब प्लस वन से प्लस फाइव जाओगे तो आप चले जाओगे, चार बार ऐड करोगे तो आप आगे चले जाओगे। खैर अच्छा, उसके बाद अब देखो यहाँ पे मुझे बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी आई वन है, यहाँ भी आई वन है। अब दूसरा काम आप क्या करोगे इसमें कि जो ऊपर वाली इक्वेजन, मतलब एक रिडक्शन वाली इक्वेजन हो गई, एक ऑक्सीडेशन वाली इक्वेजन हो गई, इन इक्वेजन में आप नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करोगे, जैसे ओ लेवल में इलेक्ट्रोलिसिस में करते थे। जैसे यहाँ पे फोर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर वाली इक्वेजन में उसको फोर बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय फोर कर दोगे। जब आप उस ऊपर वाली इक्वेजन को मल्टीप्लाई बाय फोर करोगे तो वो आ जाएगा फोर आई प्लस वन, फोर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये फोर इंटू हाफ क्या हो जाएगा, टू आई टू। ठीक है, और जो दूसरी वाली इक्वेजन थी हमारे पास उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये जो दोनों इक्वेजन हमारे पास बन गई ना, इसमें देखो सेम मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाफ इक्वेजन है, इनको मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐड करवा दूंगा। जब मैं ये सारी लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐड करवा दूंगा तो मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगी, फोर, यहाँ पे ऊपर वन मोल ऑफ आई प्लस वन है या नीचे जो है फोर आई प्लस वन है नीचे वाली इक्वेजन में, तो इन दोनों को मैंने ऐड करवा देना है तो ये बन जाएगा फोर आई प्लस वन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट पे इक्वल इक्वल है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर नीचे वाली इक्वेजन पे क्या रह जाएगा, टू आई टू प्लस आई प्लस फाइव। हाँ भाई, यहाँ तक भी किसी को भी प्रॉब्लम है? सर ये इक्वेशन वाले पार्ट से फिर से समझा दें कि इक्वेशन जब आपने बनाई मल्टीप्लाई बाय फोर जो किया। देखो दो इक्वेशन हमारे पास आई थी ना, एक ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की, तो जो मेरे पास ऊपर वाली ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली इक्वेशन थी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मेरे पास वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसको कह रहा हूँ, इसमें हमारे पास वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जो नीचे वाली इक्वेशन थी उसमें फोर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो जब मैं हाफ इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। तो अब आपके पास दो तरीके हैं वो काम करने के, या तो आप जो इक्वेशन टू है उसको डिवाइडेड बाय फोर कर दो पूरी इक्वेजन को, या ऊपर वाली इक्वेजन को की पूरी इक्वेजन को मल्टीप्लाई बाय फोर कर दो, ताकि जब ये फोर मल्टीप्लाई होगा इससे वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो ये फोर बन जाएगा। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली मेरे पास पूरी इक्वेजन जो है फिर पूरी इक्वेजन मल्टीप्लाई बाय फोर होगी, फोर आई प्लस वन प्लस फोर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और टू आई, राइट सर? लेकिन फोर से क्यों हमने मल्टीप्लाई किया? फोर से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फोर बनाना था ना इलेक्ट्रॉन को, देखो यहाँ पे फोर था ना, जो नीचे वाली इक्वेजन थी इसमें फोर था ना, तो इसमें फोर बनाने के लिए फिर मैं इसको फोर से मल्टीप्लाई करूंगा, वन है, वन को फोर बनाने के लिए फोर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सही है, मतलब हमें दोनों इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन सेम करने थे। एग्जैक्टली और जब सेम हो गए दोनों इक्वेजन के, मतलब नीचे वाली इक्वेजन जब इक्वेजन टू थी तो उसको तो कुछ भी नहीं किया मैंने, इक्वेजन वन को मैंने मल्टीप्लाई बाय फोर किया, तो इक्वेजन वन पे चेंज हो गया, ये बन जाएगी फोर आई प्लस वन फोर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू आई टू। तो इसको आप इक्वेजन थ्री कह दो या इक्वेजन वन से चेंज हुई है ना ये, तो इसको मैं इक्वेजन, लेट्स से इसको मैं इक्वेजन कह देता हूँ इक्वेजन वन है। अब मैंने इक्वेजन टू और इक्वेजन वन है जो है वो ऐड करनी है आपस में, दोनों हाफ इक्वेजन है, इन दोनों हाफ इक्वेजन को जब मैं ऐड करूंगा तो फुल इक्वेजन बन जाएगी। जब मैंने ऐड करने का क्या तरीका होता है कि लेफ्ट साइड
के साथ लिख दूं, राइट साइड के साथ लिख दूं, सब कुछ मिला के, और जो लेफ्ट और राइट पे सेम चीज है वो हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो लेफ्ट और राइट पे जो सेम चीज है वो फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमने कैंसिल आउट कर दिया, वो नहीं लिखेंगे। और लेफ्ट साइड पे ऊपर वाली इक्वेशन में आई प्लस वन और नीचे वाली इक्वेशन में फोर आई प्लस वन, तो ये मिला के फाइव आई प्लस वन हो जाएगा ना। और राइट साइड पे आई प्लस फाइव है और टू आई टू है, तो टू आई टू अलग लिखूंगा, आई प्लस फाइव लिखूंगा, तो ये दोनों इस तरह से मिला के मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात? जी सर, सही है। अच्छा, अब देखो हमारे पास अगर मैं मेन इक्वेशन देखूं तो ये i प्लस वन लेफ्ट साइड पे कहाँ से आ रहा था, यहाँ से इसके साथ से आ रहा था, HIO, मतलब यहाँ पे 5 आना चाहिए। और ये जो i2 आ रहा है ये बेसिकली हमारा मेन इक्वेशन में कहाँ से आ रहा है, इधर i2 से यहाँ से आ रहा है, ऊपर वाली मेन इक्वेशन देखो, तो यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए 2। इसी तरह जो i प्लस फाइव आ रहा है वो HIO3 जो लिखा हुआ था यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे वन मोल ऑफ कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहाँ आपसे आना चाहिए, यहाँ से। अब बाकी वाटर वाला पार्ट मेरे पास कुछ भी नहीं आया, अब मेरे पास ये इक्वेशन बाकी तीन कोफिशिएंट आ गए, तो चौथा तो आप इजीली निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो यहाँ पे सारे पूछ भी नहीं रहा था, वो सिर्फ आपसे जो वैल्यू पूछ रहा था वो एन की पूछ रहा था जो आयोडीन के साथ है, और पी की पूछ रहा था जो एच आई ओ थ्री के साथ है। तो आयोडीन के साथ जो था एन वो आया है आपके पास टू, एन इज टू, और जो एच आई ओ थ्री पी जो है वो जिसके साथ, इसके साथ था एच आई ओ थ्री के साथ, तो उसके साथ क्या आया है, वन, मतलब पी क्या हो जाएगा, वन, तो एन इज टू एन पी इज वन। सर ये थोड़ा स्क्रीन नीचे करके दिखा दें, कौन सा कहां से आया नंबर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन इसमें भी देखो सारी की सारी चीजें इन्होंने, वैसे ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये वाला क्वेश्चन ना इस मेथड से भी ट्राई करते हैं। इसमें बोला भी नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर यूज करो। अब एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये भी कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इसकी इक्वेशन है NH3 देन O2 फॉर्मिंग NO NH2O, और ये लिखा हुआ है W X Y NZ। अच्छा, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कहानी तो हमें समझ आ गई है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में मसला, इस क्वेश्चन में देखो ये आपको ना ट्रायल एंड एरर से ही बैलेंस करना पड़ेगा, दिस इज नॉट दैट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पता है मसला क्या है, इसमें मसला है कि आप दो ऐसे एलिमेंट या एक ही एलिमेंट ऐसा नहीं ढूंढ सकते जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो या रिड्यूस भी हो रहा हो, क्योंकि इसमें सिर्फ नाइट्रोजन ही है जो जिसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन माइनस थ्री है और यहाँ पे नाइट्रोजन राइट साइड पे जो नाइट्रोजन है वो प्लस टू बन जाएगा, लेकिन इसके अलावा चलो ये माइनस थ्री से प्लस टू इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइज तो हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा रिड्यूस्ड हो रहा है तो फिर आपने ऑक्सीजन के लिए कर सकते हो वो काम, अगर तुम्हें ये बात समझ आ जाए। लेकिन ये इक्वेशन वैसे आप उससे बैलेंस कर सकते हो ट्रायल एंड एरर से, लेकिन फिर भी जो है हम लोग ना ये अपना वाला मेथड जो है वो एक बार अप्लाई करके इस पे देखेंगे, जरूर होगी जरूर, क्योंकि अगर मैं ऑक्सीजन देखूँ तो यहाँ पे ये जीरो है और राइट साइड पे ऑक्सीजन क्योंकि कंपाउंड फॉर्म में तो ये माइनस टू है, तो जब ऑक्सीजन जीरो से माइनस टू जा रहा है तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दिस इज रिडक्शन, और जो नाइट्रोजन है वो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन, तो क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिल रही है तो मैं कर सकता हूँ उसको। अब नाइट्रोजन माइनस थ्री से N plus 2 है, this is oxidation loss of electron. अब minus 3 से plus 2 जाने का क्या मतलब है कि कितने electron lose हुए होंगे? अब minus 3, फिर minus 2, फिर minus 1, फिर 0, फिर plus 1, फिर plus 2. आपने कुछ नहीं करना, आपने final minus initial कर देना ना ऐसे, तो वैसे भी आ जाएगा, तो 2 plus 3 is 5, 5 mole of electron lose हुए होंगे। सही है, ये बात समझ आती है। फिर दूसरा oxygen है which is O2, और वो कन्वर्ट हुआ है ओ माइनस टू में, तो दिस इज इन क्या कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, तो जीरो से माइनस टू में कन्वर्ट हुआ है तो टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन राइट साइड पे सिर्फ वन है, लेफ्ट साइड पे ओ टू है, तो मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बैलेंस भी हो जाएगा। अब दूसरा काम आपके पास क्या, आपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए अब ऊपर फाइव है, नीचे वाली इक्वेशन में टू है, जब इसको मैं इक्वेशन वन कह देता हूँ, नीचे वाली इक्वेशन को इक्वेशन टू कह देता हूँ। अब फाइव और टू को सेम करने के लिए मैं
ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 अगर कर दूं और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं तो दोनों 10 10 हो जाएंगे। तो जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी आपके पास, 2n-3, 2n+2 और 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो नीचे वाली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 5, पहले 5 जब हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो इसको मैं फिर 5/2 लिख देता हूँ, 5/2 O2, 5 2s are 10 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा 5O-2। तो इक्वेशन 2, ये नई वाली इक्वेशन 2 मेरे पास ये बन गई। सेकंड आपने काम वही करना है, आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो ऐड कर देनी है। आप ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर आपका, अच्छा लिखना इस ऑर्डर में लिखो कि n-3 में, इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर जो इक्वेशन है ना इसमें ये पहले था n-3, फिर O2 वाला लिखो, O2 वाली टर्म 5/2 O2, राइट साइड पे NO पहले है ना तो मतलब नाइट्रोजन वाला मैं पहले लिख देता हूँ 2n+2 और 5O-2, सही है। अच्छा अब मसला ये है कि आप ये कहोगे कि जो O-2 है ये तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ भी ओ है, वाटर के साथ भी ओ है, तो ये किसके साथ, कौन सा, हमें क्या पता कि वाटर वाला है या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वाला है। हाँ इसमें हम श्योर नहीं हो सकते, लेकिन हम ये तो श्योर है ना कि जो नाइट्रोजन n+2 राइट साइड पर है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वाला ही होगा। ये जो O2 लेफ्ट साइड पर है तो ये लेफ्ट साइड पे एक ही जगह पे O2 है और n-3 जो लेफ्ट साइड पर है वो जाहिर है अमोनिया वाला ही होगा। तो ये तीन कंफर्म अगर हैं तो आप बाकी अपना आंसर निकाल लोगे जरूर। तो अब अगर मैं ये देखूं कि जो लेफ्ट साइड पे n-3 है वो बेसिकली कहाँ से आया होगा, वो यहाँ से आया, मतलब ये W की जगह आ जाएगा, जब W की जगह में, जी W की जगह अगर मैं 2 लिख दूं और 5/2 कहाँ से आया होगा, ऑक्सीजन से आया होगा, तो इसकी जगह मैं 5/2 लिख दूं और राइट साइड पे जो n+2 है वो यहाँ से NO से आया है, तो ये मैं 2 लिख। अब ये मैं कंफर्म नहीं हूं ना कि कहाँ से आया, तो इसको छोड़ दो बेशक, कोई मसला नहीं। तो अब ये देखो आंसर्स क्या बन रहे हैं, 2, 5/2, 2। अब आंसर्स में तो कोई फ्रैक्शन में लिखा हुआ ही नहीं है, आंसर में सारे होल नंबर हैं, ठीक है। अच्छा अब होल नंबर बनाने के लिए, अब जाहिर है 5/2 को फ्रैक्शन से होल नंबर बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो फिर सबको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो पहला वाला W जो बन जाएगा 4 और x बन जाएगा 5/2 × 2 = 5 और ये जो NO के साथ 2 है वो बन जाएगा 4। तो यहाँ तक पता चल गया कि 4, 5, 4 तो एटलीस्ट हमारे पास आ रहा है। आगे जो ऑक्सीजन का मसला है वो कोई इशू नहीं है, उसको छोड़ दो, लेकिन यहाँ से आंसर आपका जरूर कंफर्म हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन में हम इसलिए कन्फ्यूज है कि वो -2 अब वाटर में से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। लेके चलेंगे ताकि टाइम का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है ना। अब ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसमें NO H2H4, ठीक है, देन वी हैव NO2, इसके साथ X लगा हुआ है एंड देन वी हैव 2 कार्बन डाइऑक्साइड और Y इज H2O एंड Z इज N2। अच्छा अब देखो अक्सर लोग जो है बोलेंगे कि यार इसको क्यों हम इतनी मेहनत करें, वो वाली ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ 2 लगा हुआ है, तो फिर मैं ये एक्स वाई जी जैसे मैं कन्वेंशनली इक्वेशन बैलेंस करता हुआ आया हूँ तो मैं वैसे ही बैलेंस कर देता हूँ उसको, तो ये सारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली करने की क्या ज़रूरत है। तो हाँ ये बात भी उनकी सही है, कोई इसमें मसला नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है 4 और यहाँ पे राइट साइड पे भी 4 है, तो ये बात तो कंफर्म है कि हाइड्रोजन के साथ जो आना चाहिए ना, हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ राइट साइड पे एक ही जगह हाइड्रोजन है, तो वाई हैज टू बी 4, तो सॉरी 2, ठीक है, ताकि वो 2 2 4 हो जाए, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है मेरे पास। जब मैं ये कर देता हूँ तो ऑक्सीजन जो है वो राइट साइड पे कितने हो जाएंगे, 2 2 4 कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और यहाँ पे 2 1 2 6, लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे CO(N2H4) के साथ 2 लगा हुआ है, तो ये 2 तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 बनाने के लिए, फिर मुझे उसमें 4 और बनाना है, तो उसको x की जगह भी मुझे 2 लेना पड़ेगा, सही है। तो अगर इस तरह से लेके चलोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो बैलेंस।
और फिर जेड जो है हमारे पास अकेला जेड ही रह जाएगा, तो जब अकेला जेड रह गया है तो फिर उसको उसको भी कर लो कुछ ना कुछ निकाल के जेड को। जेड के साथ एन टू है, एन टू जो है वो आपके लेफ्ट साइड पे कितने है, राइट साइड पे कितने है, अगर आपने वो काउंट कर लिया तो वो कर लो, वैसे ही कर सकते हो। अब इसमें फ्रैक्शन में हमारे हमें आंसर दिया हुआ है तो आपसे जरा फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना है इसमें, समझ आई ये बात। लेकिन अगर हम वो वाली अपनी काम करें बैलेंसिंग वाला तो वैसे भी कर सकते हैं। पहला वाला जो मेरा कंपाउंड है जैसे CO(N2H4), इसमें अगर मैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो कार्बन की हमारे पास मसला ये होता है कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारे पास कंफर्म नहीं होती है, ऑक्सीजन की कंफर्म है, हाइड्रोजन की कंफर्म है। अभी यहाँ दोनों ये नॉन कंफर्म है ना, तो इसमें फिर ना हम वो नहीं यूज करेंगे, फ्लिप फ्लॉप वाला जरूरत नहीं पड़ेगी इसको यूज करने की, क्योंकि हम कर नहीं पाएंगे कार्बन की वजह से, एक ही कंपाउंड में साथ आ रहे हैं ना। और इसके अलावा अगर आप फिर नाइट्रोजन को यहाँ से देख के करोगे तो फिर तुम्हारे पास वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला चांस खत्म हो जाएगा, फिर वो या तो उसे रिड्यूस बोलोगे या ऑक्सीडाइज बोलोगे। हाफ इक्वेशन बन तो सकती है लेकिन ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसकी हिंट क्या है, जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है यूज ऑक्सीडेशन स्टेट तो वहां पे फ्लिप फ्लॉप यूज कर लो, बाकी दूसरी ट्राई करा करो कि ट्रायल एंड एरर से ही बैलेंस हो जाए।